असलकुम नमस्ते ससरियाकाल हेलो एवरीवन स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर रात के ठीक दो बजे मेरी आँख खुल गई कमरे में पल्प चल रहा था और मैं अपने बिस्तर पर पड़ा था कुछ लम्हे मैं आसपास को आँखों ही आँखों में तौलता रहा फिर अचानक मेरी नज़रें जाकर बल्ब पर ठहर गईं। और मेरे बदन में खौफ की एक ठंडी सी लहर दौड़ गई दो बड़ी ड्रावनी, खूनी आँखें मुझे पल्प से घूरती हुई महसूस हुई बिल्कुल जमी हुई खामोश सी और फिर मेरी आँखें भी जैसे जम गईं, मैं भी उन आँखों को घूरने लगा फिर मुझे ऐसा लगने लगा जैसे बिजली के उस पल्ब में न सिर्फ आँख बल्कि नाक कान मुंह होठ दांत यानी पूरा चेहरा मौजूद है मेरे जिसम में एक ठंडी सी लहर फिर दौड़ गई और उसके बाद मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने कहा हो मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ ये आवाज़ मेरे कानों से टकराती रही यहाँ तक कि फिर उनमें कमी आती गई और हैरत की बात तो ये थी कि ज्यो जो विस्पर पर दूर होती गई मेरी आंखों के सामने से वो चेहरा भी धुंधला होता गया फिर वो आवाज़ और चेहरा अचानक गायब हो गया और मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा जल्दी जल्दी आंखें मली जल्दी जल्दी, जल्दी आंखें मली अब जो पल्ब की तरफ देखता हूँ तो कुछ भी नहीं था बिस्तर से उतर कर जाने कितनी मरतबा मैंने ऑफ़ और ऑन करके पल्ब की तरफ़ देखा मगर वहाँ कुछ भी तो नहीं था लेकिन कमरे में हद से ज़्यादा ठंडक थी खुश मेरा कोई वहम होगा सोचकर मैं फिर नींद के आगोश में जा पड़ा सुबह मेरी आंख खुली तो मुझे रात की घटना कुछ भी याद नहीं थी जब नाश्ता वगैरह कर चुका तो मुझे अचानक याद आया कि मुझे हरीश के यहाँ भी जाना है कमरे में आकर कपड़े बदलने लगा तो यूं ही बल्ब की तरफ नज़र उठ गई और फिर रात वाला ख्वाब बिजली के बल्ब की तरह रोशन होकर मेरे दिमाग में कुल बुलाने लगा उस मंज़र के याद आते ही कुछ लम्हे के लिए तो मैं बिल्कुल ही जम गया फिर लाहौल पढ़ बेतहाशा अपनी कमज़ोरी पर मुस्कुरा दिया एक हफ़्ते के लिए मैं दिल्ली आया था यहाँ मैंने अपने दोस्त डॉक्टर हरीश कुमार सक्सेना से ठहरने के बारे में पूछा था क्योंकि डॉक्टर हरीश के यहाँ इतनी गुंजाइश नहीं थी कि मैं ठहर सकता उसका मकान सिर्फ़ दो कमरों का था और एक छोटा सा आंगन दोनों कमरों में से एक को वो अपनी डिस्पेंसरी के तौर पर इस्तेमाल करता था जिसके अंदर सिर्फ़ एक मेज़ कुछ कुर्सियाँ किताबें और बाकी कई ज़रूरत की चीज़ें थीं और दूसरे में थोड़ा सामान और पलंग चौकी मसहरी वगैरह दरअसल दिल्ली जैसे बड़े शहर में डॉक्टर हरीश की कोई ख़ास प्रैक्टिस नहीं थी भला राजधानी में डॉक्टरों की क्या कमी थी और नतीजे में उसकी आमदनी बहुत ही कम हो गई थी बस इतनी कि वो दहली में रहकर अपने बीवी बच्चों का पेट भर सके ऐसी हालत में वो बेचारा मेरे सवाल को सुनकर दुखी सा हो गया और फिर उसने मुझे ये राय दी कि मैं कोई होटल देखूं और किसी कमरे में ठहर जाऊं। इस फैसले के बाद हम लोग गरीबी पर बातचीत करते रहे उसी वक्त अंदर से सुशीला की आवाज़ आई हरीश ज़रा अंदर तो आइए बीवी की आवाज़ पर हरीश अंदर चला गया और मैं जेब से सिगरेट निकाल कर उसके कश लेने लगा इसी बीच मियाँ बीवी की बातचीत मुझे सुनाई दी मुझे ऐसा लगा कि उनकी बातचीत का टॉपिक मैं ख़ुद हूँ और मैंने आवाज़ की तरफ अपने कान लगा दिए आखिर आखिर उससे कुछ पूछ भी तो लो इसमें हर झी क्या है तुमको सिर्फ वहम है या अपने दादा की झूठी सच्ची कहानी पर यकीन पॉसिबल है कि वो तुम जैसा डरपोक ना हो सुशीला की आवाज़ मेरे कान से टकराई तो मैं और भी कान लगाकर सुनने लगा हरीश कह रहा था तुम समझती क्यों नहीं मैं उसको मुसीबत में नहीं डाल सकता और मेरे पापा के साथ जो घटना हुई है तुम्हें भी मालूम है फिर क्यों जानबूझकर खतरा मोल लिया जाए इससे बेहतर मैं ये समझता हूँ कि वो होटल में ही ठहरे अच्छा तो तुम नहीं कहोगे मैं खुद जाकर कहती हूँ कहती हुई सुशीला बाहर निकल आई। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने मुझसे कहा राकेश जी हरीश का एक मकान दिल्ली शहर से आठ मील दक्षिण में है हवेली ही कह सकते हैं उसे लेकिन इन्होंने उसे वीरान कर देने की कसम खा रखी है मैं तो कहती हूं कि आप वहीं जाकर ठहरिए मेरा ख्याल है आप भूत भूत पर यकीन नहीं रखते होंगे एक तो सुशीला की बातचीत ही से मेरे कान खड़े हुए थे भूत की बात सुनकर तो मैं चौकन्ना हो गया डिटेल पूछने पर मालूम हुआ कि वो हरीश का पुश्तैनी मकान है और हरीश के दादा के जमाने से ही वहां भूत ने डेरा जमा रखा है और फिर बाद की घटनाएं ऐसी थीं कि मुझ जैसा मॉडर्न आदमी उस पर यकीन नहीं कर सकता था इसलिए मैंने एक ठहाका लगाते हुए कहा हरीश मैं सिर्फ़ ऊपर वाले से डरता हूँ और मैं समझता हूँ कि हर इंसान को ऐसा ही करना चाहिए तुम वहाँ मेरे रहने का इंतज़ाम कर दो और फिर मेरे यहाँ आने के बाद तो मरतबा मेरे साथ ऐसी घटनाएं गुज़र चुकी थीं जिन्हें हरीश भूत की कारस्ताने कहता मगर मैंने इसे वहम करार दिया था दस बजे के करीब मैं डॉक्टर हरीश के यहाँ गया दोनों मियाँ बीवी ने बड़ी गर्म जोशी से मेरा स्वागत किया दो दिन सही सलामत गुजर जाने से हरीश ने भी अपने ख्याल को गलत करार दे दिया था फिर भी आज जब हरीश ने सवाल किया कि रात कैसी गुजरी राकेश तो मैंने सोचा कि रात वाला ख्वाब इनके सामने बयान कर दो ताकि कुछ मजा भी आए और ये लोग मेरी बहादुरी के कायल भी हो जाएं। इसलिए मैं बोला अच्छी पली गुजरी मगर मगर मैं कौन हूँ मिल गए थे मुस्कुराते हुए मैंने दोनों की तरफ देखा क्या मतलब हरीश और सुशीला ने फौरन सवाल किया मैंने रात वाली पूरी घटना उन्हें मजे लेकर सुनाई सुशीला मेरी बात सुनकर बेअ्तियार हंसने लगी मगर हरीश का चेहरा पीला पड़ गया मैंने ये फर्क फौरन महसूस किया क्यों भाई हरीश कौन सी बात से तुम डर गए मैंने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में सवाल किया वो वो भूत बड़ा ही ख़तरनाक है वो अपना ये सवाल हर उस शख्स से पूछता है जो वहाँ रात गुजारता है और जब वो शख्स उसका सही सही जवाब नहीं देता तो उसकी मौत भूत के हाथों बड़े दर्दनाक तरीके से होती है बात खत्म करके हरीश ने अपनी आंखें बंद कर ली जैसे जैसे उसे कोई ऐसा शख्स याद आ गया हो और पहली बार पहली बार मैंने अपने जिस्म में खौफ की एक लहर दौड़ती महसूस की लेकिन फौरन ही अपने ऊपर काबू पाते हुए मैंने कहा भाई हरीश छोड़ो इस टॉपिक को और चलो कहीं घूमने फिरने चलते हैं और ये कहकर मैं उठ खड़ा हुआ सुशीला ने मेरी हाँ में हाँ मिलाई दिन भर मैं हरीश और सुशीला के साथ इधर उधर घूमता रहा कतुब मीनार जंतर मंतर और बहुत सारी जगहों पर घूमते हुए हम लोगों ने बहुत सारे फ़ोटो भी खींचे इसके बाद हमने थिएटर में एक फिल्म भी देखी शाम को मैं फिर हरीश से कहकर उसी मकान में रात गुजारने आ गया लेकिन आज की रात मेरे लिए इतनी खतरनाक होगी मैंने सोचा भी नहीं था शाम ही से मुझे हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई हवा भी कुछ ज्यादा नहीं थी मगर किवाड़ ना जाने क्यों आपस में बड़े जोर से टक्कर मार रहे थे मैंने उठकर सारी खिड़कियों और दरवाजों को बंद कर दिया फिर बैठकर एक नावल जंगली कबूतर पढ़ने लगा थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई चीज मेरे आसपास घूम रही हो नज़र उठाकर देखा तो खुद मेरा साया ही आगे पीछे चक्कर लगा रहा था खौफ की एक फिरीरी मेरे पदन में महसूस हुई मैं कोई हरकत नहीं कर रहा तो फिर मेरा साया मेरा साया चल कैसे रहा है आखिर क्यों दिमाग के किसी कोने से आवाज़ आई भूत मगर जब देखा तो पता चला कि कमरे का पल भी हरकत कर रहा है जिससे मेरा साया भी हरकत कर रहा था घड़ी देखी तो रात के ठीक एक बज रहे थे मैंने नॉवेल बंद किया बिस्तर ठीक किया और नींद में डूब गया ठीक दो तो बजे अचानक मेरी नींद टूट गई और मुझे लगा कोई आवाज दे रहा है मैंने आंखों को चारों तरफ घुमाया कुछ भी तो नहीं था बल्ब भी बिल्कुल ठहरा हुआ था अचानक ही बाहर उल्लू बड़ी तेजी से चिल्लाता हुआ गुजरा फिर गीदड़ की आवाज सुनाई दी और हवा का एक जोरदार झोंका बंद खिड़की को खोलता हुआ कमरे में दाखिल हुआ मैंने मैंने उधर देखा दो भयानक आंखें मुझे खूर रही थी फिर धीरे धीरे वहाँ पूरा चेहरा था थोड़ी देर बाद वही डरावनी आवाज़ फुसफुसाती हुई उभरी मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ इसके साथ ही मेरे दिमाग में हरीश की बातें अचानक उभर आईं धीरे धीरे ऐसा लगा जैसे मुझ में कोई ख़ास ताकत आ गई है मैं उठकर बैठ गया और खूब जोर से आवाज़ दी तू एक फटकी हुई आत्मा है और अपना सही ठिकाना चाहती है मेरी आवाज़ की गूंज अभी ख़त्म भी नहीं होने पाई थी कि एक डरावनी हंसी उभरी और वो चेहरा खिड़की से गायब हो गया मैं हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ मेरा दिल बड़े ज़ोर से थक थक कर रहा था ऐसा लग रहा था जैसे सीने से बाहर निकल आएगा उस चेहरे के गायब होते ही जो खामोशी छाई थी अचानक टूट गई और उल्लू ने नहायत ही दर्दनाक आवाज में चीखना शुरू किया गिदड़ भी जोर जोर से रो रहे थे उनकी आवाज इस माहौल में बड़ी भयानक महसूस हो रही थी खिड़की खुली हुई थी और मैं बाहर के सारे दृश्य को अच्छी तरह देख रहा था अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे दो तो आंखें उड़ते हुए चीखते हुए उल्लुओं और गिदड़ों को देख रही हों, और इसके साथ ही माहौल पर एक गहरी खामोशी छा गई सारी आवाज़ें बंद हो चुकी थीं। वो रात मैंने बड़ी बेचैनी से गुजारी सुबह होते ही मैं हरीश के यहाँ भागा मैंने शुरू से लेकर आखिर तक उससे सब कुछ कह डाला हरीश ने सारी दास्तान खामोशी से सुनी और जब मैंने अपनी कहानी खत्म की और उसकी तरफ देखा तो वो बिल्कुल पीला पड़ चुका था थोड़ी देर तक खामोश बैठने के बाद उसके होठ हिले तुमने बहुत गलत किया राकेश और इसमें सारा कसूर मेरा है न मैं तुम्हें कुछ बताता न तुम वहां जाते अब वो भूत तुम्हें हर किस जिंदा नहीं छोड़ेगा उफ माय गॉड, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? हरीश ने अपने सर के पाल दोनों हाथों से पकड़ लिए और पूरी ताकत से खींचने लगा मेरी अजीब हालत थी दिमाग बिल्कुल माउफ हो चुका था मेरा पूरा जिस्म किसी बेजान पत्थर की तरह जम चुका था कोई राज था जो किस्से में छुपा हुआ था वरना हरीश इतने भयानक अंदाज में हर बार क्यों मौत का जिक्र करता मौत मेरी मौत का जिक्र मेरे सामने जबकि डॉक्टर भी मरते हुए मरीज से उसकी मौत के बारे में नहीं कहते मैंने फिर हरीश से कहा हरीश तुम्हारी बातें मेरे लिए सख्त उलझन का कारण बन रही हैं उस मकान का उस भूत से ज़रूर कोई रिश्ता है जिसे तुम ज़रूर जानते हो तुम्हें ये राज मुझे पता देना चाहिए ये कहकर मैं खामोश हो गया राकेश एक कराह की आवाज़ थी जो हरीश के मुंह से निकली अगर तुम मुझ पर ज़ोर ना भी देते तब भी मैं ये कहानी तुम्हें ज़रूर सुनाता इसके बारे में तुम्हें ज़रूर बताता सुनो ये बात आज से दो सौ साल पहले की है ये मकान जिसमें तुमने रात गुजारी है बहुत बुरी हालत में था लेकिन हाल में यानी मेरे दादा ने उसकी हालत बदलवाई है वो मकान मेरे परदादा के दादा का था मेरे परदादा के दादा सुखदेव सिंह के चार लड़के थे जिनमें सिर्फ दो तो उनकी मौत के वक्त ज़िंदा थे उनकी मौत के बाद उनके दोनों बेटों करण सिंह और हर्षवर्धन सिंह ने आपस में जायदाद बांटनी चाही। मेरे फड़दादा हर्षवर्धन की नीयत ख़राब हो गई उन्होंने एक साजिश करके करण सिंह को पागल खाने में भिजवा दिया ये सदमा उनसे बर्दाश्त नहीं हो सका और उनकी मौत हो गई इस तरह मेरे फट दादा सारी जायदाद के मालिक हो गए करण सिंह ने अपनी मौत के वक्त सिर्फ दो लफ्ज़ कहे थे मैं कौन हूँ और उसके पास से आज तक उस मकान में यही आवाज़ सुनाई देती है मेरे पर दादा, दादा यहाँ तक कि पिताजी ने भी उस आवाज़ का जवाब देने की कोशिश की थी और नतीजे में उन्हें मौत से दो चार होना पड़ा और अब तुम उफ हरीश अभी कुछ और कहना चाहता था मगर कमरे में अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे खूब अंधेरा छा गया हो और ठंडी हवा चल रही हो और उसी वक्त एक बहुत ही डरावनी हंसी सुनाई दी साथ ही मैं भी उछल पड़ा ये हंसी सौ फीसदी वही थी जो मैंने उस मकान में सुनी थी मेरा डर सही था क्योंकि उसी के बाद आंखें और चेहरा सामने आ गए चेहरे पर वहशत और दरिंदगी साफ दिखाई दे रही थी हरीश ने एक चीख मारी और बेहोश हो गया मैं भी बहुत परेशान हो गया था हंसी एक बार फिर उभरी और फिर वही फुसफुसाहट सुनाई दी वह मेरे भाई की औलाद इतनी जल्दी डर गया मैं लगातार उसकी तरफ देख रहा था साया हरीश से बातें कर रहा था और मैं अपने पूरे वजूद के साथ थर थर काँप रहा था मुझे इस तरह देखकर साया मुझसे बोला और मेरे बदन में खौफ से सारा खून जम गया मेरी आंखें बंद हो गईं दिल में ये यकीन पक्का हो गया कि जल्द ही मैं दूसरी दुनिया की सैर करने वाला हूँ मेरा दिमाग बिल्कुल माउफ हो गया मेरे कानों में अब वो फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी डरो मत मेरे दोस्त अब मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा तुमने मेरी एक उलझन दूर कर दी जिसके लिए मेरी आत्मा ना जाने कब से भटक रही थी मैं अब भी महसूस कर रहा था कि मैं पागल नहीं लेकिन मेरे भाई ने मेरे भाई ने मरते वक्त यही दोहराया था कि मैं पागल हूँ मैंने बदला ले लिया है और सिर्फ तुम्हारी खातिर इसे जिंदा छोड़ रहा हूं आवाज धीरे धीरे दूर होती चली गई और मेरा दिमाग पूरी तरह से अंधेरे में डूब गया और जब मेरी आंख दोबारा खुली तो सुशीला पर नजर पड़ी दूसरे बिस्तर पर हरीश अब तक बेहोश पड़ा था और उसके होठ पर सिर्फ यही बात थी वो कौन था अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके शुक्रिया